हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है विनायक एंड आई वेलकम यू ऑल टू पिंक मॉडल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। आपने 12th बायोलॉजी की बुक देखी होगी। देर आर 42 चैप्टर्स, टोटल 42 पार्ट है, और ना सिर्फ चैप्टर्स ज़्यादा है बल्कि कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे अभी से शुरुआत कर देंगे, आई होप कि उनका सिलेबस जो है वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, और फिर आपके पास में बहुत टाइम बचेगा अपने एनुअल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही में टोटल 42 चैप्टर्स में से 20 जो चैप्टर है, स्टार्टिंग वाले चैप्टर नंबर 1 to 20, ये हैं वनस्पति विज्ञान के, बॉटनी के, और 21 से लेके 42, ये जो 22 पार्ट हैं, ये है जूलॉजी के। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों यानी बॉटनी और जूलॉजी दोनों के एक एक चैप्टर उठा करके और उनको पैरेलली कंप्लीट करेंगे, ताकि सिलेबस जो है वो ऑन टाइम पूरा हो जाए। और ये जो भी सिचुएशन बन गई है कोरोना एपिडेमिक की, इसका हमारी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। तो हम शुरू करते हैं अभी बॉटनी का पोर्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 20 तक के पार्ट हैं, ये सब आएंगे वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी में। तो हम शुरू करने वाले क्रमबद्ध तरीके से। तो हम सबसे पहले लेते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 1 का नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले नाम को समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम का क्या अर्थ है। आवर्त बीजी, इसका क्या मतलब है। 11th क्लास में हमने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और पादप वर्गीकरण को भी अच्छे से पढ़ा था। पादप वर्गीकरण में बताया जाता है कि पादप जगत में कुल मिलाकर कितने डिवीजन है, 5। देर आर 5 डिवीजन, यानी 5 भाग हैं पादप जगत के। कौन कौन से, सबसे पहला शैवाल, ये है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के कितने डिविजन्स है, देर आर 5 डिविजन। पहला है शैवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा है एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो यानी हमें अभी इन पांचों में से सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, इस लास्ट ग्रुप के बारे में। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये ना सिर्फ इसका सबसे बड़ा और सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा विकसित समूह जो माना जाता है पादप जगत का, वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, एनजीओ का मतलब होता है, एनजीओ मतलब है वेसल, एनजीओ मतलब वाहिनिका, वाहिनिया, यानी ये वे पादप हैं जिनके जाइलम में, जाइलम ऊतक जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं, इन पादपों के जाइलम में हमें क्या मिलता है, वेसल मिलती है या वाहिनिया मिलती है। साथ ही में स्पर्म, इस शब्द का अर्थ है यहां पर बीज, सीड, यानी ऐसे पादप जो कवर्ड या ढके हुए बीज बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ढके हुए बीज का मतलब क्या है, बीज के बाहर फल मिलेगा, तो फल के अंदर बीज होता है, इन्हीं पादपों को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो आपको ध्यान रखना है, फल किससे बनता है, फूल से, यानी जितने भी पादप फूल बनाते हैं और फल बनाते हैं, वे सब पादप किसके अंदर आएंगे, एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर आएंगे। तो हमें इस चैप्टर में इन्हीं एंजियोस्पर्म पादपों में जनन की विधि के बारे में पढ़ना है, राइट। तो आप जब चैप्टर देखेंगे तो उसकी पहली ही लाइन में एक बात लिखी हुई है, जिसको जो इस प्रकार से है कि एंजियोस्पर्म में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलता है, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन।
सो एंजियोस्पर्म में हमें क्या मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ना सिर्फ एंजियोस्पर्म में, जो पांचों डिवीजन हमने यहाँ लिखे थे पादप जगत के, जो पांचों भाग हमने यहाँ पे लिखे थे, उन सभी में क्या मिलेगा, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ में स्पष्ट होता है, कुछ में अस्पष्ट होता है, कुछ में क्लियर होता है, कुछ में क्लियर नहीं होता है, राइट। तो अब इसका क्या अर्थ है, पीढ़ी एकांतरण का क्या मतलब है, देखिए, पादप जीवन में दो अवस्थाओं से गुजरता है, इससे गुजरता है, दो स्टेजेस से। पादप एक प्लांट अपने जीवन काल में कुल दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और ये बिल्कुल एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। तो हर एक अवस्था से, इन दोनों अवस्थाओं में से हर एक से गुजरना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब पता चल गया कि दो अवस्थाएं हैं, दोनों से अल्टरनेटली प्लांट गुजरेगा, एकांतर रूप से गुजरेगा, पहले इसमें फिर इसमें, फिर वापस उसमें फिर इसमें, तो एक के बाद एक उनसे गुजरता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब वो दो अवस्थाएं, वो दो स्टेजेस कौन सी है, पहली है स्पोरोफाइट अवस्था, इसको हिंदी में बोला है बीजाणुद भिद अवस्था, और दूसरी होती है युग्मकोद भिद अवस्था, इसको बोला है गैमीटोफिटिक स्टेज। तो एक है बीजाणुद भिद और एक है युग्मकोद भिद, तो दो अवस्थाएं हैं, और इन दोनों से हर पादप जरूर से निकलता है, एक एक करके एकांतर रूप में, इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब इन दोनों अवस्थाओं के बारे में अगर देखें, स्पोरोफाइट का नाम स्पोरोफाइट क्यों पड़ा, क्योंकि ये आगे जाकर स्पोर बनाएंगे, यानी ये बीजाणु बनाते हैं, इसीलिए ने क्या नाम दे दिया, बीजाणुद्भिद, और ये गैमीट बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया, युग्मकोद्भिद। तो जो स्पोरोफाइट होता है ये होता है 2n डिप्लॉइड, कैसा होगा ये, डिप्लॉइड, इसको हम बोलते हैं द्विगुणित अवस्था, कौन सी अवस्था, द्विगुणित अवस्था, किसकी है ये, स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, यानी इसमें गुणसूत्रों के दो जोड़े मिलते हैं, ये 2n किसको रिप्रेजेंट करता है, n प्लस n, n यहाँ पे गुणसूत्रों का एक जोड़ा है, तो यहाँ पे कुल कितने जोड़े मिल रहे हैं गुणसूत्रों के, दो। और जो युग्मकोद्भिद है ये होता है n, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, क्या बोलेंगे इसको, हैप्लॉइड कंडीशन या अगुणित अवस्था। बीजाणुद्भिद क्या बनाते हैं, बीजाणु, कौन से विभाजन से, मियोसिस। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है, कि कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक है मियोसिस और एक है माइटोसिस। मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन, क्या बोला है इसे, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजित करती है, डिवाइड करती है, तो जो नई कोशिकाएं बनती है उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसे क्या बोला है, अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर बीजाणुद्भिद की कोई कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाएगी, तो उस बीजाणु में कितने गुणसूत्रों के जोड़े आएंगे, नाम क्या है, अर्धसूत्री, यानी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, हाफ, आधे, तो 2n का आधा क्या होगा, n। तो बीजाणु कैसे होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बीजाणु करते हैं अंकुरण और या अंकुरित होकर जर्मिनेट करके और क्या बनाते हैं, युग्मकोद्भिद। अब आपको पता चल गया युग्मकोद्भिद एन क्यों होता है, क्योंकि ये किससे बनता है, किसके अंकुरण से बनता है, बीजाणु के, और बीजाणु कैसा है, एन, बीजाणु एन क्यों है, क्योंकि ये कौन से विभाजन से बना है, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। युग्मकोद्भिद का काम है युग्मक बनाना, युग्मकोद्भिद दो तरीके के युग्मक बनाता है, ये सबको पता ही है, एक है नर युग्मक और एक है मादा युग्मक। तो ये है फीमेल गैमीट और ये है मेल गैमीट, ये बनता है समसूत्रण से, समसूत्री विभाजन से, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। तो अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस और समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस। समसूत्री का मतलब क्या है,
ये विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं समसूत्रण, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। तो ये जो पादप है युग्मक उद्भिद गैमेटोफाइट, ये जिस प्रक्रिया से गैमीट्स बनाता है, युग्मक बनाता है, तो ये दोनों क्या है, नर और मादा युग्मक है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, समान रहती है। तो युग्मक उद्भिद भी एन है, हैप्लॉइड है, अब एक गुणित है या अगुणित है, तो ये दोनों युग्मक भी कैसे है, अगुणित। इस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक निर्माण या युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। अब ये दोनों युग्मक जुड़ते हैं आपस में और जुड़ करके बनाते हैं एक कोशिका, जिसमें बता सकते हैं आपके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी इस कोशिका में जो बनती है इन दोनों के मिलने से, इसमें होती है 2n, इसको बोलते हैं जायगोट या युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको, युग्मनज। ये है पहली कोशिका जो निषेचन के बाद बनती है, तो इन दोनों के मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, और इससे पुनः क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा है, है दीर्घजीवी या लॉन्ग लिव्ड, डोमिनेंट बड़ी अवस्था है, साथ में इसमें क्या मिलता है हमको, जड़ तना और पत्ती, ये तीन संरचनाएं हमको यहां पर देखने को मिलती है, रूट स्टेम एंड लीफ, ये तीन संरचना हमको देखने को मिलती है, इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब अस्पष्ट का क्या मतलब हुआ, हमने पहले पॉइंट में बोला था कि इनमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो हमें पादप में सिर्फ एक ही अवस्था दिखाई देती है, बीजाणुद्भिद, यह अवस्था बहुत छोटी होती है, तो सूक्ष्म है, तो ये स्मॉल फेज है या शॉर्ट लिव्ड है, कैसी है ये, शॉर्ट लिव्ड, और इनमें कोशिकाओं की संख्या भी बहुत कम होती है, 2 या 3, जिसकी वजह से दिखने में ये बहुत छोटे होते हैं और नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्पष्ट है, क्योंकि एक अवस्था बहुत बड़ी है, बहुत डोमिनेटिंग है और दीर्घजीवी है, लंबे टाइम तक जिंदा रहने वाली है, और जबकि ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए आती है, बहुत छोटी होती है और इसको आसानी से हम देख नहीं सकते, इसीलिए इस तरह की पीढ़ी एकांतरण को हमने क्या बोला है, अस्पष्ट। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है जनन के प्रकार। एज वी नो कि जनन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जनन के कितने प्रकार हैं, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 मुख्य प्रकार है हमारे पास में, कौन कौन से, लैंगिक सेक्सुअल एवं अलैंगिक, यह है एसेक्सुअल। अब इन दोनों में ब्रीफली हम फटाफट से अंतर जो होता है वो पता कर लेते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में आपको कितने पेरेंट्स चाहिए, कितने जनक चाहिए, यहां पे आपको चाहिए 2 जनक या 1 जनक, तो इधर यूनि और बाई पेरेंटल दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो अब देखिए ऐसा कैसे हुआ, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आप जवाब दे सकते हैं पादप और जंतु दोनों के रेफरेंस में, दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो अगर जंतुओं को देखें तो जंतुओं में लैंगिक जनन में कितने जनक चाहिए, उनको 2 जनक चाहिए, तो वहां पे कैसा होता है, बाय पेरेंटल, एक नर और एक मादा, 2 अलग अलग हमको जीव चाहिए लैंगिक जनन के लिए जंतुओं में। लेकिन अगर पौधों में देखा जाए तो एक पौधा है, मान लीजिए एक चाइना रोज का पौधा है हमारे पास में, उसके ऊपर एक फूल आया जिसपे स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, तो फूल कैसा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा है, द्विलिंगी पुष्प है। तो पादप तो एक ही है, जनक तो एक ही है, उसका जो पुष्प है वो कैसा है, द्विलिंगी, तो वो आपस में ही स्व निषेचन करके और बीज बना सकता है। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन में जनक कितना हुआ, सिर्फ 1।
तो जनन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, लेकिन अलैंगिक में केवल एक ही जनक होता है, ये एसेंशियली यूनिपैरेंटल होता है, केवल एक ही जनक मिलेगा हमेशा। दूसरी बात, युग्मक निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण, तो ये यहां पे हमेशा होगा, ऑलवेज टेक प्लेस किनमें, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, हमेशा क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, कौन से विभाजन से, अर्ध सूत्री विभाजन से, कौन सा विभाजन, अर्ध सूत्री विभाजन, लेकिन यहां पर अलैंगिक जनन में युग्मक बन भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड, बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, बट इफ फॉर्म्ड दे डू नॉट फ्यूज, अगर बनते हैं तो भाग नहीं लेते, प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास में, आपने देखा एक गुलाब का पौधा है, उस गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल आया है, गुलाब का फूल भी कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, तो गुलाब का जो पौधा है उसके ऊपर नर और मादा दोनों भाग है, स्त्री केसर पुंकेसर के सर दोनों भाग है, जो आपस में निषेचन करके नया पौधा बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, पुष्प में निषेचन का इंतजार ना करके उसी पौधे से एक शाखा तोड़ ली, ब्रांच तोड़ ली, उस ब्रांच को मैंने जमीन में लगा के उसे नया पौधा बना लिया, तो ये कौन सा जनन हुआ, ये अलैंगिक प्रकार का जनन है। अब यहाँ पे युग्मक बन रहे थे या नहीं बन रहे थे, गुलाब के पौधे पे फूल तो आया था, उस पे युग्मक तो बन रहे थे, लेकिन बन रहे होंगे, लेकिन जो प्रक्रिया हमने इस्तेमाल की है उसमें वो युग्मक भाग नहीं लेते, अगर बनते भी हैं तो दे डू नॉट फ्यूज, तो वो उसमें पार्ट नहीं लेते उस प्रोसेस में। तो यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन, क्या होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जरूर होता है, निषेचन होता है, और यहां पर डू नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। अब निषेचन नहीं होगा तो क्या जायगोट बनेगा, तो यहां पर जायगोट बनता है, यहां पर जायगोट नहीं बनता। एक और चीज, यहां पे युग्मक कौन से विभाजन से बन रहा है, अर्धसूत्री, जिसको हमने क्या बोला है, मियोसिस। यहां पर आप बता सकते हैं कि नया पौधा कौन से विभाजन से बनेगा, मान लीजिए ये जनक है, ये कौन सा पौधा है, जनक पौधा है, जिसमें कितने गुणसूत्र है, 2n, इससे बनेगा संतति, तो संतति में कितने होंगे, n या 2n। अब देखिए हम किन से बने, हमारे पेरेंट से, हमारे पेरेंट में 2n क्रोमोसोम है, तो हमारे अंदर भी कितने होने चाहिए, 2n, क्योंकि हम सब एक ही स्पीशीज के हैं, राइट, तो एक स्पीशीज में गुणसूत्रों की संख्या, एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है सभी जीवों के अंदर, तो अगर जनक में 2n है तो बच्चों में भी क्या जाएंगे, 2n, और यहाँ पे जनक कितना है, 1, तो सारे के सारे गुणसूत्र इसी को देने हैं, किनको देने हैं, संततियों को, तो ये है इसकी संततियां, तो संततियों के सारे गुणसूत्र यही देगा, तो दोनों में गुणसूत्रों की समान संख्या है, तो इसको हम बोलेंगे समसूत्री, यानी अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री या फिर माइटोसिस, और इस जगह पे कौन सा हो रहा है, मियोसिस, ठीक है। अब इन दोनों में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों प्रक्रियाओं का रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या होता है, तो यहां पर जो संततियां बनती है लैंगिक जनन से, जो संततियां बनती है वे माता पिता से भिन्न होती है, तो ना तो वो हूबहू माता के समान होती है, ना हूबहू पिता के समान होती है, दोनों का मिक्सचर होती है, तो यहां पे संततियां क्या है, मिश्रण,
मिक्सचर है। इसी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन, या हम इसे बोलते हैं विभिन्नता। तो लैंगिक जनन में क्या आती है? वेरिएशन आती है, विभिन्नता। लेकिन यहां पर संततियां हूबहू जनक के समान होती है। कैसी होती है? जनक के समान। तो यहां पर दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। इनको हम बोलते हैं क्लोन्स। ऐसी संततियों को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, एसेक्सुअल मेथड। ये तो मैंने आपको बता दिया लैंगिक अलैंगिक में क्या अंतर है। पादपों के अंदर अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक है असंग जनन और एक है कायिक प्रवर्धन। असंग जनन एपोमिक्सिस और कायिक प्रवर्धन जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए असंग जनन में क्या होता है, ये बीजांड है पादप में, जहां पर बीज बनता है उस भाग को हम बोलते हैं बीजांड। ये है ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर यहां पर युग्मनज का या जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट। और जाइगोट कौन सी कोशिका है? टू एन कोशिका। इसके आसपास की सारी कोशिकाएं कैसे होती है? एन। तो यदि इस भाग को जिसको हम, ये जो मध्य वाला भाग है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। अगर हम इस एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में कोई द्विगुणित कोशिका ला दें तो वह कोशिका किसकी तरह काम करने लगेगी? जायगोट की तरह, और उसको भ्रूण में बना करके बीज बना दिया जाएगा। तो देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल दो चीजें हो सकती है। ये भ्रूण कोश है एन पूरा, ये पास वाली कोशिका है, इनको बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं इनको? अध्यावरण या फिर इंटेग्यूमेंट, जो उसको ढक के रखती है, कवर करके रखती है। अगर इन इंटेग्यूमेंट की कोई एक कोशिका अंदर की तरफ कलिका बना करके और अंदर घुस जाए तो देखिए अध्यावरण कैसा है? 2n, और भ्रूण कोश कैसा है? n। तो जैसे ही ये कोशिका अंदर जाएगी समझा जाएगा इसको किसकी तरह? जायगोट की तरह। और इसको बिना निषेचन के, यहां पे क्या किया है? बिना निषेचन इससे क्या बन जाता है? बीज। यहां पे क्या बनता है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ आया आप लोगों को कि बीज कैसे बनता है? जायगोट से, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा सीड, यानी सबसे पहले बनता है युग्मनज, युग्मनज से बनता है भ्रूण, और भ्रूण से बनता है बीज। लेकिन युग्मनज जो है जायगोट वो कैसे बनता है? अभी हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे बनता था वो? लैंगिक जनन से। लेकिन यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही अध्यावरण की अगर कोई कोशिका इस भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है तो उसको किसकी तरह ट्रीट करने लगते हैं? जायगोट की तरह, और उसी से क्या बना देते हैं? बीज। वो कैसे बनता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के। इसी को हम बोलते हैं असंग जनन, जिसमें बनता है बीज बिना निषेचन के। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज जब बनता है तो हमें देखने में तो लगता है कि लैंगिक जनन हो रहा है, क्योंकि बीज बनना लैंगिक जनन की विशेषता होती है। लेकिन यहां पर दिखने में तो लगता है कि लैंगिक जनन है, लेकिन असल में हो क्या रहा है? अलैंगिक जनन, क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमिट बने, ना ही निषेचन हुआ, और ना ही जायगोट बना, राइट? तो इसके लिए एक बात बोली जाती है एपोमिक्सिस के लिए, दैट इट इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी ये विधि तो किसकी है? किसकी विधि है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन ये मिमिक किसको करती है? मिमिक करना मतलब कॉपी करना, लेकिन ये कॉपी किसको कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके लिए हम हिंदी में क्या बोलेंगे कि लिख लें आप लोग कि ये विधि तो है अलैंगिक जनन की, जो कॉपी करती है किसे? जो कॉपी करती है लैंगिक जनन को, ठीक है? तो ये हो गया असंग जनन। अब इसके दो प्रकार हैं, जो हमको किताब में दे रखा है हमारी बुक में, वो है एगैमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता। इसमें क्या होता है? ये भ्रूण कोश,
ये क्या है? एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश। इसके बाहर की इंटेग्यूमेंट। इसके बाहर एक और उत्तक होता है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस बीजांड काय। तो वो उसकी बात अभी बात में करेंगे जब हम पूरा डिटेल में देखेंगे तब। तो अभी आप ये ध्यान रखिए भ्रूण कोश है, यहां पर बनता है एग। क्या बनता है यहां पर? एग बनता है। एग है युग्मक और वो कैसा होना चाहिए? एन। लेकिन यहां पे गलती से एग कैसा बन जाता है? पहले से ही 2N। तो अब इसको तो जरूरत ही नहीं है निषेचन की क्योंकि ये पहले से ही कैसा है 2N। तो इस एग को बिना निषेचन के सीधे ही किस में बदल दिया जाता है? बीज में। इसको किस में बदल देते हैं? बिना निषेचन के सीधे ही सीड में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ए गैमोस्पर्मी या फिर अनिषेक बीजता। और जो यहां पे मैंने बताया था न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्री, इसको हम बोलेंगे बीजांडकाय और इसको हम बोलेंगे अध्यावरण। अगर इन दोनों की कोशिका को भ्रूण समझकर उसे बीज में बदल देते हैं तो उसे हम बोलेंगे काइक या रिकरेंट एक रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो असंग जनन के दो प्रकार है, काइक असंग जनन और अनिषेक बीजता वाला असंग जनन। क्लियर है यहाँ पे? अब हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, काइक प्रवर्धन में। काया, काया का मतलब क्या है? काया यानी बॉडी, फिजिक। तो पादप के शरीर में काया कौन कौन बनाते हैं? जड़, तना, पत्ती। अब देखिए यहाँ पे फूल जो बनता है वो लैंगिक संरचना है और जो फल बनता है वो फूल से ही बनता है। इसलिए फल और फूल ये दोनों कायिक संरचना ही नहीं है, ये दोनों कौन सी संरचना है? लैंगिक संरचना है। यहाँ पे कायिक संरचना की अगर बात करें तो जड़ तना पत्ती ये तीनों मिलके कायिक भाग बनाते हैं, रूट स्टेम और लीफ। इनका काम है पौधे के वाइटल फंक्शंस करना, इन पौधे का शरीर बनाना और उसके रोजमर्रा के काम जो होता है जल का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, ये सब कार्य करना। लेकिन अगर कुछ विशेष केसेस में ये सभी भाग जनन करने लगते हैं, कायिक भाग जनन करने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। जो वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे किसकी मदद से होगा? ये तीन संरचनाओं की मदद से, जड़ तना और पत्ती, रूट स्टेम और लीफ। अब कुछ में प्राकृतिक होता है यानी अपने आप, कुछ पौधा ऐसे होते हैं जिनमें अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ही कायिक प्रवर्धन हो जाता है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें हम आसानी से कायिक प्रवर्धन करवा सकते हैं। तो जो अपने आप होता है उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक और जो हम करवाते हैं उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल या कृत्रिम। अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब बताया था कायिक प्रवर्धन में जड़ तना पत्ती भाग लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तने द्वारा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब इसमें दो कंसेप्ट है यहाँ पे। आप पहली बात तो पहचानेंगे कैसी की कोई संरचना तना है या नहीं है। देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, तने पर पर्व संधि एवं पर्व पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो ये सबसे पहला तो पहचानने का तरीका कि तना हम पहचानेंगे कैसे। इसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं गन्ने के तने को। गन्ने का तो तना आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से सेगमेंट्स मिलते हैं। ये वाले जो संधियां हैं इनको हम बोलते हैं पर्व संधि और इन भागों को इंग्लिश में हम बोलेंगे नोड्स। और ये जो बीच वाले भाग है इनको हम बोलते हैं पर्व या इंग्लिश में इनको बोलेंगे इंटर नोड। तो जिन संरचनाओं पर नोड और इंटर नोड मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तना कहेंगे। दूसरी बात, इन दोनों में अंतर क्या है? जितनी भी नई संरचनाएं बननी है, नई संरचनाओं का निर्माण होना है, निर्माणात्मक कार्य जितने फॉर्मेटिव फंक्शन, वो सारे कहां पर होते हैं? पर्व संधियों पर। क्योंकि पर्व संधियों पर हमें क्या मिलता है? मेरिस्टेम, विभज्योतक। कौन सा उत्तक मिल रहा है हमें यहाँ पर? विभज्योतक उत्तक मिलता है। कहां पर? नोड्स पर, पर्व संधियों पर। इसलिए जो भी नई चीजें बनेगी, पत्तियां हो, फल हो, फूल हो, वो सब यहीं से निकलेंगी, पर्व संधियों से या नोड से। पहली बात ये एक नोड है, पर्व संधि है। यहां पर एक विशेष चीज पाई जाती है, जो ये पत्ती इस भाग पे निकलती है इसे हम बोलते हैं बड़।
या कलिका, क्या बोलते हैं इसे, बड या कलिका। इसी कलिका से ये वो पहली संरचना है जिससे फूल भी बन सकता है, जिससे पत्ती भी बन सकती है, जिससे शाखा भी बन सकती है। तो कलिकाएं क्या है, विभजोतक उत्तक से बाहर निकली हुई ऐसी संरचनाएं जिनसे नई चीजों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कलिकाएं कहते हैं। इन कलिकाओं का जो तने पर पाई जाती है, इनका एक विशेष नाम है। ये है तने का मुख्य अक्ष और ये है पत्ती। मुख्य अक्ष और पत्ती के बीच का जो एंगल है, ये मुख्य अक्ष है और ये पत्ती है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसे बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलेंगे इसे, एक्सिल, या इसको हम बोलते हैं कक्षस्थ। तो इनका नाम क्या है, एक्सिलरी बड्स या फिर कक्षस्थ कलिकाएं। ऐसी कलिकाएं जो तने पर पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कक्षस्थ कलिकाएं। तो तने को पहचानने के दो तरीके क्या हो गए, एक तो हम पहचान सकते हैं नोड और इंटरनोड से, पर्व संधि और पर्व से, दूसरा हम पहचान सकते हैं उन्हें कक्षस्थ कलिकाओं से, एक्सिलरी बर्ड से। तो बर्ड्स हमेशा तने पर ही पाई जाती हैं और इन बर्ड्स को, इन कलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड, कक्षस्थ कलिका। कुछ कलिकाएं पत्ती पर और जड़ों पर भी मिल सकती है, तो होनी तो कहां चाहिए थी, वो तने पर, लेकिन आज कहां जाती हैं, पत्ती और जड़ पे। तो ऐसी कलिकाओं को बोला जाता है अपस्थानिक कलिकाएं, जो अपने स्थान से हट के कहीं और आ जाती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो जो तने पर हैं वो एक्सिलरी कक्षस्थ, और जो तने से हट के कहीं और हैं वो एडवेंटिशियस या अपस्थानिक कलिकाएं। अब तने में जो प्राकृतिक आयु परिवर्तन, उसके ये सारे उदाहरण है, प्रकंद राइजोम, इसमें आता है अदरक, तो इसमें आएगा आपकी जिंजर और टर्मरिक, हल्दी। तो ये एक से ज्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, सीधे ना बढ़ के जमीन के अंदर होते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जितने भी है यहां पर जिनके पीछे कंद आ रहा है, जिनके नाम के पीछे कंद आता है, वो सभी कैसे होते हैं, जमीन में मिलने वाले। तो ये सारे कैसे हैं, अंडरग्राउंड, जो हमें कहां पे मिलेंगे, जमीन के अंदर मिलते हैं। तो इसके दो उदाहरण हो गए, कंद का उदाहरण, ट्यूबर का उदाहरण है आलू, पोटैटो। आलू के ऊपर ये कक्षस्थ कलिकाएं साफ दिखाई देती हैं, जो हरे रंग के छोटे छोटे भाग निकले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो। आलू की आंखें, तो ये जो आलू की आंखें हैं वो क्या है, उसकी एक्सिलरी बर्ड्स है। तो अगर आप एक आंख को निकालकर जमीन में लगा देंगे तो उससे नया पादप बन जाएगा। शल्ककंद बल्ब, तो जो लट्टू की तरह दिखाई देते हैं, तो इसमें आता है अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। अगला है घनकंद, ये बिल्कुल प्रकंद के जैसा ही होता है, राइजोम के जैसा, लेकिन इससे छोटा होता है, तो इसमें आता है कोलोकेशिया।